नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के FPO के बारे में। तो फॉलो पब्लिक ऑफर इस पे जो बहुत ही सारे बेनिफिट्स भी है और इसके डिमेरिट्स भी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यस बैंक का जो FPO है, इससे पहले हमने वीडियो नहीं बनाया। हमने सोचा जैसे डेट इसका आ जाता है तब हम आपको इस पे वीडियो बना करके एक ही बार दे देंगे। तो जो यस बैंक का FPO है ये चालू होने वाला है, तो FPO का जो प्राइस है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो देखते हैं FPO का जो फ्लोर प्राइस है 12 रुपीज पर शेयर है, जबकि यहाँ पर देखते हैं जो कैप प्राइस है वो है 13 रुपीज पर इक्विटी शेयर। मतलब यहाँ पर जो आपको फ्लोर प्राइस 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, 1 रुपये पर इक्विटी शेयर, 1 रुपये का जो डिस्काउंट है वो दिया गया है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो जो भी एम्प्लॉय है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको जो है 1 रुपये का डिस्काउंट है, नहीं तो इसका फ्लोर प्राइस 12 रुपीज है और कैप प्राइस 13 रुपीज है। और जो मिनिमम इसका लॉट साइज है, आप 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1000 के मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2000, 3000, 4000। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि यस बैंक में जो शेयर बाय आप करते हैं, अगर 100 शेयर से अधिक होता है तो अब उसमें लॉक इन लग जाएगा आपका, आप 25% से अधिक शेयर नहीं बेच सकते हैं। तो याद रखिएगा, अब आप एक भी लॉट खरीदते हैं तो इसका 25% ही आप कभी भी बेच सकते हैं, जब तक लॉक इन इसका खत्म नहीं हो जाता, लॉक इन को खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक आप इसमें लॉक इन रहेंगे। तो इसके हम आगे शेयर और के प्राइस और उसके टारगेट और लेवल्स की भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यस बैंक के FPO में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी हैवी इन्वेस्ट करने वाला है। उससे पहले भी कई सारे बैंक इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो जहां पर हम चार्ट खोलेंगे तो चार्ट पर आपको दिखाएंगे कि जो पहले इसमें इन्वेस्ट किया गया था बैंक के द्वारा, तो वहां पर क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये देखते हैं हम यस बैंक का चार्ट ओपन किए हैं जीरोधा के वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से जाइए, जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पर आपको डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं लगता। साथ ही साथ आपको इंट्राडे में मैक्सिमम 20 रुपया पर ट्रेड आपको यहाँ पर चार्ज लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यस बैंक है उसका चार्ट में, यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स इसी रेंज में देखते हैं, यही पर इसी रेंज में अप डाउन साइडवेज के रेंज में है। और उससे पहले यहाँ पर इसका रीस्ट्रक्चर हुआ था, जहाँ पर सारे बैंक ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पर इसके प्राइस को काफ़ी मैनिपुलेट किया गया और इसका प्राइस जो है 87 रुपीज तक ले जाया गया। और वहाँ पर जो सारे के सारे बैंक जो स्टेक्स लिया था काफ़ी, मतलब मेजोरिटी में, वो यहाँ पर अपना जो है 25% स्टेक इसमें सेल कर दिए और उसके बाद इसमें प्राइस में लगातार गिरावट आया। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर प्राइस को मैनिपुलेट किया गया था, काफ़ी हाई ले गया, वहाँ पर जाकर के बेच दिया, सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंस गए इस बैंक में तेजी देख करके। अब बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पर जो आप खरीदते और बेचते हैं शेयर, तो यहाँ पर प्राइस आपको 24 रुपीज़ के आसपास है। तो इस 24 रुपीज़ पर प्राइस पर खरीदना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर आप इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 12 रुपीज़ के प्राइस पर FPO में अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो लॉक इन है उसके कारण आप इसमें भी फंस सकते हैं। तो आप जो है लॉक इन होने के कारण आप FPO में प्राइस में अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 12 रुपीज़, 13 रुपीज़ पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप यहां पर FPO में अप्लाई करें, इसमें ओपन मार्केट में, मतलब जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें इन्वेस्ट ना करें, यहां पर शेयर बाय ना करें। चले हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखते हैं यस बैंक का शेयर का जो प्राइस का मूवमेंट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे क्या है। और साथ ही साथ यहाँ RSI देख सकते हैं, RSI जो है 40 के आसपास है, तो RSI तो काफ़ी वीक है, मतलब यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है RSI। जब RSI ऊपर जाता है, मतलब इसका जो ग्राफ है तो वो स्ट्रेंथ को दिखाता है, यहाँ पर वीकनेस को दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे यस बैंक के। तो लॉन्ग टर्म चार्ट में आप देख सकते हैं यस बैंक जब यहाँ पर 2005 से हम चार्ट देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर को। अपने इन्वेस्टर को देखते हैं 2891% का रिटर्न दिया था। और यहाँ से जब इसमें फ्रॉड का जैसे न्यूज़ आया, तो फ्रॉड के न्यूज़ के बाद अभी तक में आप देखेंगे तो इसके शेयर में कितना परसेंट गिरावट आया है, 93% का, 93% मतलब इसमें गिरावट आ गया जब फ्रॉड का केस इसमें आया। तो समझ सकते हैं यस बैंक, ये राणा कपूर के, जो राणा कपूर है उसके फ्रॉड के चलते ये स्टॉक्स पूरी तरह से, मतलब ये बैंक भी कहिए पूरी तरह से बर्बाद होने कगार पर था, जहाँ पे RBI ने
इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश किया और यस बैंक और कई सारे बैंकों ने इसमें इन्वेस्ट किया मात्र 10 रुपीज़ के प्राइस पर, मात्र 10 रुपीज़ के प्राइस में, मतलब इसके स्टॉक में, इसके शेयर में इन्वेस्ट किया गया बैंकों के द्वारा इस बैंक को बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ओपन मार्केट सेकेंडरी मार्केट से आपको हाई प्राइस पर स्टॉक्स को बाय करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जो FPO प्राइस है वो बता रहा है कि यस बैंक का शेयर का जो फेयर वैल्यू है क्या होना चाहिए। तो यस बैंक के शेयर का जो फेयर वैल्यू है वो आपको 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास बनता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप इसमें FPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।